इसके अंदर हम बैक्टीरिया के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के लक्षण, यानी कि करेक्टरिस्टिक क्या होंगे बैक्टीरिया के, पौधों की तरह करेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसे भी करेक्टर होते हैं जो कि प्लांट्स शो करते हैं, वैसे वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसकी घटना यानी अक्रेंस क्या होती है, आकार कैसा होता है, एंड रूप और या फिर इसकी फॉर्म्स क्या क्या होती है बैक्टीरिया की। तो ये सब टॉपिक्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जीवाणु के या फिर बैक्टीरिया के लक्षण या फिर करेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि इसकी जो कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल होती है वो कठोर होती है। एक कठोर कोशिका भित्ति की उपस्थिति इसके अंदर होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसकी जो कोशिका भित्ति है उसके अंदर एसिटाइल ग्लूकोजमाइन या फिर एसिटाइल म्यूरामिक एसिड होता है। जनरली क्या देखा जाता है, आमतौर पे जो कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल है बैक्टीरिया की या फिर जीवाणु की, वो बनी होती है एसिटाइल ग्लूकोजमाइन और एसिटाइल म्यूरामिक एसिड की। लेकिन कुछ जीवाणुओं में ऐसा देखा गया है कि इनकी जो कोशिका भित्ति है वो बनी होती है डायनामोपी एसिड यानी अम्ल की बनी होती है। ठीक है, डायनामोपी एसिड की बनी होती है। तो यहाँ पे एक तो कठोर कोशिका भित्ति होगी जो बनी होगी एसिटाइल ग्लूकोजमाइन या फिर एसिटाइल म्यूरामिक एसिड की। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, इनकी जो सेल होती है ये प्रोकैरियोटिक सेल इनकी होती है, यानी कि इसके अंदर जो जितनी भी यहाँ पे इसकी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो एक तरह से बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप होगा, वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, सिर्फ वो न्यूक्लियड की फॉर्म में इसके अंदर जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो बना बिखरा हुआ होगा। एक जीवाणु कोशिका यानी कि बैक्टीरियल सेल में सुव्यवस्थित झिल्ली भाद्य संरचना यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, जैसे कि नाभिक यानी कि न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोजी उपकरण, गोजी अपरेटस या फिर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड अनुपस्थित होते हैं। ये पहले ही हमने देख लिया कि इसकी जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक है, एंड प्रोकैरियोटिक सेल छोटी सी होती है कि उसके अंदर इतनी जगह नहीं होती कि वो सारी चीजों को रख सके। तो इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर प्लास्टिड्स, ये एब्सेंट होते हैं, ये अनुपस्थित होते हैं। ये आमतौर पर 2 से 10 माइक्रोमीटर लंबाई में होते हैं एंड 0.22 माइक्रोमीटर चौड़ाई में होते हैं। अधिकांश जीवाणु विषमपोषी होते हैं, विषमपोषी यानी कि हेटरोट्रोफिक, एंड ये कैसे होते हैं, ये होते हैं जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, दूसरों पर निर्भर करते हैं। किस लिए निर्भर करते हैं, अपने खाने के लिए। गैर क्लोरोफिलस यानी नॉन क्लोरोफिलस होता है। अब क्लोरोफिल इनके अंदर नहीं है तो ये अपना जो फूड है, अपना जो फोटोसिंथेसिस है, अपना जो प्रकाश संश्लेषण है या फिर खाना है वो नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये कैसे होते हैं, विषमपोषी या फिर हेटरोट्रॉफिक होते हैं। एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इसके कुछ लक्षण। सबसे फर्स्ट, इनकी जो इनकी अंदर एक कठोर कोशिका भित्ति होती है। सेकंड, इसके अंदर इसकी जो कोशिका भित्ति है वो एसिटाइल ग्लूकोजमाइन या फिर एसिटाइल म्यूरामिक एसिड की बनी होती है। थर्ड, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। फोर्थ, इसके अंदर ये जो जीवाणु कोशिका होती है इसके अंदर सुव्यवस्थित झिल्ली भाद्य संरचनाएं की अनुपस्थिति होती है, जैसे कि नाभिक यानी न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये सब अनुपस्थित होंगे। और आमतौर पर ये 2 से 10 माइक्रोमीटर लंबाई में होते हैं एंड 0.22 माइक्रोमीटर चौड़ाई के अंदर होते हैं। और अधिकांश ये क्या होते हैं, ज्यादातर ये हेटरोट्रोफिक होते हैं। हेटरोट्रोफिक का मीनिंग है ये विषमपोषी होते हैं, ये दूसरों के ऊपर खाने के लिए निर्भर करते हैं। गैर क्लोरोफिल फिलस होते हैं, यानी इनके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं होगा, और ये एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं। कुछ जीवाणुओं में विशेष वर्णक बैक्टीरियो क्लोरोफिल यानी कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। वैसे तो इसके अंदर ये नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, यानी इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ विशेष जीवाणुओं के अंदर विशेष वर्णक होता है, यानी कि एक स्पेशल पिगमेंट होता है जिसको बैक्टीरियो क्लोरोफिल बोला जाता है। तो ये कुछ इसके लक्षण हो गए बैक्टीरिया के।
इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी बैक्टीरिया के कुछ पौधों की तरह भी करेक्टर होते हैं, ठीक है, पौधों की तरह भी इसके कुछ करेक्टर होते हैं, प्लांट लाइक करेक्टर। तो इनमें इनमें सबसे फर्स्ट है कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल की उपस्थिति होती है। अब हमने देखा है कि एनिमल एंड हम छोटी क्लासेस से ही देखते आ रहे हैं, जो एनिमल और प्लांट सेल है, एनिमल सेल के अंदर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन जिसको बोला जाता है सेल वॉल, ठीक है, जिसको कोशिका भित्ति बोलते हैं, वो भी होती है। तो प्लांट ये पौधों के अंदर होती है सेल वॉल, लेकिन ये ऐसा भी देखा गया है कि ये बैक्टीरिया के अंदर भी देखने को मिलती है। पौधों की तरह जीवाणु भी कुछ एंजाइमों और विटामिनों को संश्लेषित कर लेते हैं, ठीक है, इनका सिंथेसिस कर लेते हैं, कुछ एंजाइम और विटामिन का सिंथेसिस ये कर लेते हैं, जैसे पौधे करते हैं। इवन पौधे तो क्या करते हैं, सारी चीजों का ही सिंथेसिस करते हैं खुद से। जीवाणु भोजनों भोजन को पौधों की तरह घोल के रूप में अवशोषित करते हैं, यानी एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे पौधे करते हैं वैसे ही ये क्या करते हैं, अपने भोजन को घोल के रूप में अवशोषित करते हैं। कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी का मीनिंग है ऑटोट्रोफिक, एंड ऑटोट्रोफिक कौन से होंगे, जो अपना खाना खुद बना लेंगे, जैसे पौधे होते हैं वैसे ये स्वपोषी होते हैं, और ये क्या करेंगे, कार्बोज लेकर जैविक भोजन का संश्लेषण करते हैं, जैसे कि पौधे करते हैं वैसे ही ये क्या करते हैं, कार्बन या फिर पानी से ही क्या करेंगे अपना फूड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से अपना फूड संश्लेषण करेंगे, या फिर अपना भोजन का संश्लेषण करेंगे। तो कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं, सारे नहीं होते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि ये कैसे होते हैं, ये विषमपोषी होते हैं, लेकिन कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं, तो ये भी क्या हो गया, ये किसका, पौधों की तरह करेक्टर हो गया। कुछ जीवाणु कुछ शैवाल की तरह एक रेशा युक्त संरचना, यानी कि फिलामेंटस स्ट्रक्चर में विकसित होते हैं, जैसे कि कुछ शैवाल, जैसे कि जिसको एल्गी बोलते हैं, तो कुछ जीवाणु ये क्या करते हैं, जैसे कि फिलामेंट होते हैं, जैसे कि रेशे होते हैं, रेशा युक्त संरचना होती है शैवाल की, वैसे ही देखने को मिलते हैं। तो ये भी क्या हो गया, इसका एक प्लांट लाइक करेक्टर हो गया। जीवाणुओं में प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन का तरीका कुछ शैवाल यानी कि एल्गी और कुछ कवक यानी कि फंजाई के समान होता है, जैसे एल्गी और फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन होती है, वैसे ही जीवाणुओं के अंदर भी रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। कुछ जीवाणु कोशिकाओं के आसपास श्लेष्मा झिल्ली यानी कि म्यूसिलेजनस शीथ, ठीक है, एक म्यूसिलेजनस शीथ की उपस्थिति होती है, जैसे कि जलीय पौधे, ठीक है, ऐसे जैसे कि ये इसकी एक कोशिका होगी और इसके बाहर एक म्यूसिलेजनस शीथ यानी कि एक श्लेष्मा झिल्ली देखने को मिलेगी, जैसे कि कुछ जलीय पौधों के अंदर देखने को मिलती है। तो ये इसके पौधों की तरह करेक्टर हो गई, कोशिका भित्ति की उपस्थिति इसके अंदर होती है, और ये अपने कुछ एंजाइम और विटामिन को संश्लेषित कर सकते हैं जैसे कि पौधे करते हैं। इसके अलावा ये वैसे ही अपने भोजन को अवशोषित करते हैं जैसे कि पौधे करते हैं। कुछ जीवाणु स्वपोषी भी होते हैं जैसे कि पौधे होते हैं, और इसके अलावा ये अपने भोजन का संश्लेषण भी कर लेते हैं। कुछ जीवाणु कुछ शैवाल की तरह रेशायुक्त संरचना के अंदर देखने को या फिर पाए जाते हैं, और जीवाणुओं के अंदर जनन जो होता है वो कुछ शैवाल यानी कि एल्गी और कुछ फंजाई की तरह ही होता है। और इसके अलावा जैसे इसके अंदर कुछ जलीय पौधों के अंदर आसपास श्लेष्मा झिल्ली देखने को मिलती है, जैसे जलीय पौधों के अंदर होती है वैसे ही कुछ जीवाणु कोशिकाओं के अंदर भी एक श्लेष्मा यानी कि म्यूसिलेजनस शीथ देखने को मिलती है। तो ये हो गए इसके प्लांट लाइक करेक्टर जीवाणुओं के या फिर बैक्टीरिया के। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो जीवाणु है बैक्टीरिया है वो मिलते कहाँ कहाँ है, उनकी घटना कहाँ होती है, उनकी अक्रेंस क्या होती है। ये लोग यानी फ्लेम, ठीक है, आग को छोड़कर लगभग हर जगह बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ये हर जगह ही पाए जाते हैं। इन्हें गर्म झरनों जहां पे 90 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है, गर्म झरनों के अंदर और बहुत ठंडे पानी या बर्फ के अंदर भी देखने को ये मिलते हैं। मुंह के लार के अंदर भी इनको देखा जाता है। इसके बाद एक एग्जाम्पल है एसिर्चिया कोलाई, ठीक है, एसिर्चिया कोलाई जो है जिसको ई कोलाई बोला जाता है, मानव आंत यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है।
ये 15 सेंटीमीटर गहराई तक की मिट्टी में काफी प्रचुर मात्रा में होते हैं, ठीक है। 15 सेंटीमीटर, अप टू 15 सेंटीमीटर की जो डेप्थ होगी, गहराई होगी मिट्टी की, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा एक तरह से प्रचुर मात्रा के अंदर देखने को मिलते हैं। कार्ल आर वॉइस, जिसने 1978 के अंदर जीवाणुओं के एक दुर्लभ ग्रुप समूह की खोज की, जो हाइड्रोजन और गर्मी पर पनपते हैं, ठीक है, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और गर्मी में पनपते हैं और ऑक्सीजन द्वारा मारे जाते हैं, ठीक है। ये क्या किया, कार्ल आर वॉइस ने एक प्रजाति ऐसी देखी, दुर्लभ समूह की खोज की, जो कि हाइड्रोजन और गर्मी में तो पनपते हैं, जीवित रहते हैं, लेकिन जैसे इनको ऑक्सीजन मिलती है ये मर जाते हैं। बैरोस डेमिंग ने 1983 के अंदर समुद्र के पानी में 2500 मीटर गहराई तक बैक्टीरिया की उपस्थिति की सूचना दी, यानी कि सिर्फ इस गहराई पे कोई हार्डली ही कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे भी बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, लेकिन माना जाता है कि बैक्टीरिया 3.5 अरब साल पहले विकसित हुए थे, जब आदिम पृथ्वी, यानी कि जो पहले की पृथ्वी थी, पर हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण था, जो कि आज की तुलना में बहुत गर्म था। पहले जो पृथ्वी का टेम्परेचर था, तापमान था, वो बहुत ज्यादा था, धीरे धीरे करके ये कम हुआ है। तो उस टाइम पे भी माना जाता है कि उस टाइम पे बैक्टीरिया जो है विकसित हुए थे, उनका ओरिजन हुआ था। तो ये इसकी अक्रेंस होती है। फ्लेम को छोड़ के ये हर जगह देखने को मिलते हैं, ये गर्म झरनों में, ठंडे पानी में, बर्फ के अंदर या फिर मुंह के अंदर भी देखने को मिलते हैं। इसिर्चिया कोलाई एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन यानी कि मानव आंत के अंदर भी पाया जाता है। ये 15 सेंटीमीटर की मिट्टी तक, 15 सेंटीमीटर की गहराई की मिट्टी के अंदर प्रचुर मात्रा के अंदर देखने को मिलते हैं। और एक दुर्लभ समूह जो कि हाइड्रोजन और गर्मी में पनपते हैं और ऑक्सीजन द्वारा मारे जाते हैं, ये कार्ल आर वॉइस ने खोजे थे। बैरोस एंड डेमिंग ने समुन्द्र में 2500 मीटर गहराई तक भी बैक्टीरियों की उपस्थिति की सूचना दी थी कि बैक्टीरिया वहां पे भी होते हैं, उपस्थित होते हैं। और बैक्टीरिया का जो ओरिजिन है, बैक्टीरिया के जो विकास है, वो 3.5 अरब साल पहले हुआ था, जब धरती के ऊपर, जब पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा गर्म वातावरण था। तो ये इसकी अकरेंस हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे है मेसोफिलिक बैक्टीरिया, ठीक है। मेसोफिलिक बैक्टीरिया जो होते हैं, ये 25 से 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में के भीतर सबसे अच्छी तरह बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो 25 से 40 टेम्परेचर है, ये इनका कैसा होता है, सबसे अच्छी तरह बढ़ते हैं, यानी इसको बोला जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर इनका, ठीक है। तो इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है मीजोफिलिक बैक्टीरिया का। मीजोफिलिक यानी कि ना जो कम टेम्परेचर में होते हैं, ना वो ज्यादा टेम्परेचर में होते हैं, ये एक मीडियम टेम्परेचर, एक मॉडरेट टेम्परेचर के अंदर पाए जाते हैं। बैक्टीरिया मनुष्य के लिए बहुत फायदेमंद, यूजफुल होते हैं, साथ में ये कुछ ये हार्मफुल भी होते हैं, जैसे कि तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, टेटनस, डायपथीरिया, काली खांसी जिसको वूपिंग कफ बोलते हैं, हैजा, कोलेरा और प्लेग इत्यादि जैसी विभिन्न बीमारियों का कारण बनते हैं। तो ये यूजफुल तो होते ही होते हैं, साथ में कैसे होते हैं, ये हार्मफुल भी होते हैं, ये विभिन्न बीमारियों का कारण भी बनते हैं। हालांकि बैक्टीरिया को अक्सर मनुष्य के मित्र के रूप में माना जाता है, क्योंकि इन उनकी उपयोगी गतिविधियां हमेशा होती है, उपयोगी भी होती हैं, मनुष्य के लिए उनकी हानिकारक गतिविधियों से अधिक है, ठीक है। तो इनकी उपयोगी गतिविधियां हमेशा होती है, जो कि इनकी हानिकारक गतिविधियों से अधिक है। तो ये क्या हो गए, मित्र के रूप में माने जाएंगे बैक्टीरिया, जो कि इसकी इसके जो मनुष्य है उसके लिए फायदेमंद भी होंगे और उसके लिए हानिकारक भी होंगे, लेकिन फायदेमंद ज्यादा होते हैं। तो ये इसकी सारी की सारी घटनाएं थी, इसकी अकरेंस थी बैक्टीरिया की। नेक्स्ट है इसका आकार या फिर साइज कैसा कैसा हो सकता है। बहुत भिन्न इनके आकार होते हैं, ये प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखे जा सकते हैं, ठीक है, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखे जा सकते हैं। कुछ सबसे बड़े बैक्टीरिया जैसे कि स्पाइरोचेट, स्पाइरोचेट जो है ये 500 माइक्रोमीटर आकार के होते हैं और इन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है, यानी कि खुली आंखों से इनको देख सकते हैं। इसके बाद सबसे छोटा जीवाणु जिसको डाइलिस्टर न्यूमरोसेंटस बोला जाता है, जो कि 0.15 to 0.03 माइक्रोमीटर व्यास का होता है,
आमतौर पर रोड के आकार यानी रोड शेप की बैक्टीरिया का आकार 0.3 माइक्रोमीटर टू 15 माइक्रोमीटर इसकी लंबाई होती है और 0.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर चौड़ाई में ये भिन्न होता है। ठीक है, रोड शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं। एसिर्चिया कोलाई एक रोड शेप आकार का बैक्टीरिया है यानी कि बैसिलस जीवाणु है जो कि 1-3 माइक्रोमीटर लंबा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनके आकार भिन्न होते हैं एंड सबसे बड़े बैक्टीरिया को स्पाइरोचेट बोला जाता है जो कि 500 माइक्रोमीटर आकार का होता है और इसको नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। सबसे छोटा जीवाणु डायलिस्टर निमोसिंटस होता है जो कि सिर्फ 0.15-0.3 माइक्रोमीटर व्यास का होता है। और एसिर्चिया कोलाई रोड शेप का बैक्टीरिया जो कि 1-3 माइक्रोमीटर लंबा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है बैक्टीरिया के रूप या फिर फॉर्म्स क्या क्या होंगी बैक्टीरिया की। तो अगर हम फॉर्म्स की बात करें यहाँ पे यानी इसके रूप की बात करें तो सबसे फर्स्ट रूप है यहाँ पे कोकस। कोकस जो है ये गोलाकार आकार के जीवाणु होते हैं, ऐसे जीवाणु होते हैं। ये हो गया जैसे कि एक समूह में उनकी संख्या के आधार पर वे हो सकते हैं यानी कि एक एक ग्रुप के अंदर ये हो सकते हैं कि उनका कितना नंबर है, उनकी कितनी संख्या है। ये हो सकते हैं मोनोकोकस। मोनोकोकस क्या होगा, अगर ये हो गया, ये जैसे कि ये हो गया मोनोकोकस, ये अगर सिंगल प्रेजेंट है, सिंगल है, अगर ये सिंगल कोकस जिसको हम बोलेंगे ये सिंगल है। डिप्लोकोकस, ठीक है, डिप्लो यानी कि दो होंगे, डिप्लोकोकस के अंदर ये ऐसे दो जुड़े हुए होंगे, ठीक है, ऐसे दो होंगे तो ये डिप्लोकोकस हो जाएगा। एक समूह में दो कोकाई बैक्टीरिया होते हैं। टेट्रोकोकस, टेट्रोकोकस के अंदर क्या हो जाएंगे, जिसके अंदर चार कोकाई होते हैं, ठीक है, ये जैसे हो गया चार इसके अंदर होते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस ये हो सकता है, ये स्ट्रेप्टोकोकस का मीनिंग है ये एक चेन के अंदर होंगे, ठीक है, ये एक चेन के अंदर एक श्रृंखला के में मौजूद होंगे कोकाई बैक्टीरिया। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस था। एंड ये है स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलोकोकस के अंदर क्या होता है, ये एक ऐसे गुच्छे के रूप में होंगे स्टेफिलोकोकस के अंदर, जैसे कि अंगूर के गुच्छा के रूप में मौजूद कोकई बैक्टीरिया का द्रव्यमान, ठीक है, ये हो गया एक मास हो गया जो कि क्या है एक एक ग्रुप के अंदर एक कॉलोनी के अंदर ये होते हैं। तो ये होते हैं स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस। और एक होता है यहाँ पे सारसीना, जो क्या होता है कोकाई की 8 कोशिका वाला क्यूबिकल कॉलोनी, ठीक है, ये कैसे होती है 8 सेल्ड क्यूबिकल कॉलोनी होती है। तो ये होते हैं कोकस टाइप के बैक्टीरिया। कोकस में कैसे हो सकते हैं, या तो ये माइक्रोकोकस या फिर इनको मोनोकोकस बोलते हैं, सिंगल कोकस हो सकते हैं, ये डिप्लोकोकस हो सकते हैं, ये टेट्राकोकस हो सकते हैं जो कि चार के ग्रुप में होगा, ये स्ट्रेप्टोकोकस हो सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस का मीनिंग है ये एक चेन के अंदर मिलेंगे, एक श्रृंखला के अंदर मौजूद होंगे। स्टेफाइलोकोकस के अंदर क्या होगा, ये एक गुच्छे के रूप में मिलेंगे। एंड सारसीना के अंदर क्या होगा, ये क्यूबिकल कॉलोनी के अंदर मिलेंगे जिसके अंदर 8 सेल होंगी या फिर 8 ऐसे कोकाई सेल होंगे। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म है बैसिलस। बैसिलस कैसी होती है, एक सिंगुलर फॉर्म होती है, यानी कि इसको दिखाया गया है कि ये एक सिंगल की हम बात कर रहे हैं। अगर लिखा आ जाए कहीं पे बैसिलाई तो यानी कि हम बात कर रहे हैं प्लूरल की, ठीक है, कई सारे ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। तो बैसिलस जो होते हैं ये जब जीवाणु छड़ के आकार के होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, छड़ के आकार के होते हैं यानी कि रोड शेप के होते हैं, तो उन्हें बैसिली कहते हैं। ये दो यानी कि डिप्लो बैसिलस हो सकते हैं। देखो ये तो ये हो गया एक रोड शेप का, एक सिंपल हो गया सिंपल, इसको बैसिलस बोलेंगे। अगर ये दो जुड़ गए हैं, ठीक है, दो रोड हुए तो ये क्या होंगे, डिप्लो बैसिलस हो गए। या फिर ये हो सकते हैं एक श्रृंखला में जिसको स्ट्रेप्टोबैसिलस बोलेंगे। जैसे हमने बात की थी कि स्ट्रेप्टोबैसिलस क्या होगा, चेन के अंदर होंगे, या तो ये समांतर या फिर पैलिसेड फैशन के अंदर होते हैं। जैसे कि ये हो गया एक के ऊपर एक हो गया, ये पैलिसेड फैशन हो गया, पैलिसेड बैसिलस हो गया, ये स्ट्रेप्टोबैसिलस हो गया जो कि एक श्रृंखला या फिर एक चेन के अंदर दिखाई देंगे। तो ये बैसिलस हो सकते हैं अगर एक रोड शेप छड़ है, एक जीवाणु छड़ के आकार का है। अगर ये दो है तो ये क्या हो जाएंगे, डिप्लोबैसिलस हो जाएंगे। अगर ये एक समांतर पैलिसेड फैशन में है तो ये पैलिसेड बैसिलस हो जाएंगे। ये एक श्रृंखला के अंदर है, एक चेन के अंदर, तो ये स्ट्रेप्टोबैसिलस हो जाएंगे। थर्ड है यहाँ पे स्पाइरिलम। स्पाइरिलम जो है ये जीवाणु सर्पिल यानी कि सर्प स्पाइरल रूप में कुंडलित और कशाभित होते हैं, ठीक है। ये क्या कैसे होते हैं, कुंडलित और कशाभित होते हैं। जैसे कि ये हो गया,
ये एक स्पाइरल टाइप का है, स्पाइरलम जिसको हम बोलेंगे, विब्रियो। ये जीवाणु आकार में कोमा के समान, ठीक है, जैसे कोमा होता है वैसे ही शेप इनकी होती है। ये कोमा के समान होते हैं और कशाबित भी होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? कोमा के शेप के होते हैं। इसके बाद माइसेलियल, माइसीलियल जो होते हैं, ठीक है, ये माइसीलियल हो गया। ये इस मामले में बैक्टीरिया फिलामेंट के रूप में एसेप्टेट में होते हैं। सेप्टेट का देखो, एसेप्टेट क्या होगी? ये एक फिलामेंट है, ठीक है, एक फिलामेंट है, ये कंडीशन होगी एसेप्टेट, इसको एसेप्टेट बोलते हैं। अब अगर यहाँ पे क्रॉस वॉल हो तो इसको बोला जाता है ये सेप्टा, यहाँ पे सेप्टा है या फिर सेप्टम है यहाँ पे, और इसको बोला जाता है सेप्टेट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सेप्टेट। अदरवाइज ये क्या होगा, ये जैसे कि ये है यहाँ पे ए, यहाँ पे ये हो जाएगा ए सेप्टेट, ठीक है, ये कैसा है? ए सेप्टेट है। तो ये बैक्टीरिया फिलामेंट के रूप में ए सेप्टेट में होते हैं। इसके अलावा ये स्टोक्ड हो सकते हैं, ऐसे स्टोक इनके अंदर होगी, ठीक है, एक ऐसे स्टोक होगी, या तो ये बड की फॉर्म में, ऐसे बड होगी, छोटी छोटी बर्ड होंगी उसकी फॉर्म में हो सकते हैं। तो मेन ये पांच ही टाइप के हम एग्जाम के अंदर डिस्कस कर सकते हैं कि पांच टाइप की इसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होती है, ठीक है। जैसे कि कोकस बैक्टीरिया होते हैं, जिसके अंदर हमने देखा था कि मोनोकोकस और माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस अगर दो के अंदर है, चार के अंदर है तो ये टेट्राकोकस हो गए, एक चेन के अंदर है तो ये स्ट्रेप्टोकोकस हो गए, एक गुच्छे के अंदर है तो स्टेफाइलोकोकस हो गए, एंड एक यहाँ पे क्यूबिकल के अंदर है, क्यूबिकल कॉलोनी है जो कि 8 सेल्स की है तो ये सारसीना हो जाएगा। बैसिलस के अंदर ये बैसिलस हो सकते हैं, दो के अंदर तो है तो ये डिप्लो बैसिलस हो जाएंगे। पैलिसेड के अंदर ये समांतर एक के ऊपर एक होंगे, एंड स्ट्रेप्टो बैसिलस क्या हो जाएंगे, एक श्रृंखला या फिर चेन के अंदर ये होंगे। इसके अलावा स्पाइरलम हो सकता है, ये कोमा शेप के हो सकते हैं, जैसे कि विब्रियो हो गया, ये माइसीलियल या फिर एसेप्टेट हो सकते हैं, एंड स्ट्रोक और बडिड फॉर्म में भी ये हो सकते हैं। तो ये हो गई यहाँ पे शेप्स, शेप भी हम इसको बोल सकते हैं, या फिर ये इसकी फॉर्म्स हो गई, ठीक है, ये शेप्स एंड फॉर्म्स हो गई बैक्टीरिया की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बैक्टीरिया के अंदर कैसे इसके अंदर फ्लैजिला होते हैं, और एक कैटेगरी आती है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, वो हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर, और फिर इसके बाद इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।